दोस्तों आपने सुना ही होगा कि विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉय को एक साथ अभी कुछ दिन पहले ही मूनलाइटिंग के चलते निकाल दिया नौकरी से, बिना किसी नोटिस के या बिना किसी उन्हें मतलब तुरंत ही निकाला है मूनलाइटिंग के चलते। और कारण दिया है कि ये जो एम्प्लॉय है 300, ये मूनलाइटिंग के चलते कंपनी से निकाले जाते हैं। तो मूनलाइटिंग क्या चीज है और इंडिया में मूनलाइटिंग को लेके काफी सारी इंडस्ट्री इसको सही भी मानती है, काफी सारी इंडस्ट्री इसको गलत भी मानती है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूनलाइटिंग कोई नई बात नहीं है, यह यूरोपियन कंट्री और अमेरिका जैसी कंट्री में काफी ज्यादा प्रचलित है। यानी कि मूनलाइटिंग का जो परिभाषा है वो ये है कि एक फुल टाइम जॉब होते हुए आप कोई दूसरी जॉब भी साइड में कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आप कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं साइड में पैसे कमाने के लिए। वो पार्ट टाइम भी हो सकती है, फ्रीलांसिंग भी हो सकती है, या एक तरह से जॉब भी हो सकती है। तो इसको कहते हैं मूनलाइटिंग। अब वहां पर जो मूनलाइटिंग है वो लीगल है, काफी सारे लोग वहां डबल जॉब करते हैं, साथ में पार्ट टाइम, फुल टाइम और फ्रीलांसिंग भी करते हैं, वहां ये चीज प्रचलन में है। लेकिन इंडिया में इतना क्यों इसको लेकर विवाद बनाया जा रहा है? तो मूनलाइटिंग का मतलब यहां पर दिया जा रहा है ड्यूल जॉब, यानी एक जॉब जो है उसके साथ साथ आप दूसरी जॉब भी करते हैं तो वो मूनलाइटिंग कहलाता है। लेकिन काफी सारी इंडस्ट्री इसको सही भी मानती है, काफी सारी इंडस्ट्री इसको गलत भी मानती है। तो ऐसा क्यों है कि एक ही चीज को कई सारे लोग गलत मान रहे हैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, और कई सारे लोग इसको सही मान रहे हैं? तो इसका सीधा सा कारण ये है कि मूनलाइटिंग जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंपनी के दिए हुए समय में कोई भी काम करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, एडवाइस देना या पार्ट टाइम, तो वो इलीगल है, वो ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में गिना जाता है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर आप अपनी जॉब के बाद कोई भी दूसरी जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं पैसे कमाने के लिए, या किसी को एडवाइस देते हैं, गाइडेंस करते हैं, उससे भी आप पैसे कमाते हैं, तो वो लीगल है। यही चीज इंडस्ट्री के एक्सपर्ट कह रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मूनलाइटिंग नहीं करने देना चाहते अपने एम्प्लॉय को, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट वो लोग हैं जो मूनलाइटिंग को गलत नहीं मानते। तो आइए जानते हैं कि मूनलाइटिंग कब सही है और कब गलत होती है। अगर आपकी जो जॉब है, आप कहीं भी अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर एक टाइमिंग होती है, जैसे कि 9 to 5, 9 to 6 या 10 to 6, एक टाइमिंग होती है जॉब की, जिस टाइम के अंदर आप जॉब करते हो। वो ऑफिस की जॉब भी हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, साथ ही साथ वो फील्ड की जॉब भी हो सकती है। तो उस टाइम के दौरान अगर आप कहीं भी पैसे कमाने के लिए कोई फ्रीलांसिंग काम करते हैं उस जॉब के दौरान, यानी उस घंटे के दौरान फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, या आप ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, या कुछ भी करते हैं उस टाइमिंग के दौरान, जिससे आपको अर्निंग होती है, जिससे आपकी कमाई होती है, तो वो इलीगल है, वो ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में गिना जाता है। तो यहां पर काफी सारी कंपनी इसको गलत इस वजह से मानती हैं। अब यदि आपकी 9 to 5 जॉब है, 9 to 10 है या 9 to 6 है, उस जॉब को करने के बाद, आपके पास 24 घंटे में से काफी समय बचता है, ठीक है, उस समय के अंदर अगर आप कोई दूसरी जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, या कोई भी एडवाइस किसी को देते हैं, उससे अगर आपको इनकम होती है, जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग भी इसमें एक बिजनेस की तरह ही आ गया,
ये सारी चीजें करते हैं तो वो गलत नहीं है। काफी सारी कंपनी इसको सही इसीलिए मानती हैं कि कंपनी जिस बात के उसको पैसे पेड कर रही है, जिस टाइम के उसके पैसे पेड कर रही है, उस टाइम में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो उसका पर्सनल टाइम है, उसमें वो अपनी अर्निंग के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। जैसे कि ऑनलाइन जो सामान की डिलीवरी होती है या फूड डिलीवरी कंपनी है, उन्होंने कहा है कि अगर उनके एम्प्लॉई जो फूड डिलीवरी का टाइम है, डिलीवरी का जब भी टाइम है, जो जॉब है, उस दौरान अगर वो कुछ भी नहीं करते और जब उनका खाली समय होता है उस दौरान वो कहीं भी जॉब करते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम या कैसे भी, वो बिल्कुल गलत नहीं है और उनको ये एक्सेप्ट है। यानी कि कोई भी जो पर्सन है वो अपनी ज्यादा इनकम कमाने के लिए कोई दूसरी जॉब कर सकता है, लेकिन टाइम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये चीज सही है। अब यहां पर विप्रो ने क्यों निकाल दिया, इतनी बड़ी कंपनी है, भारत की जानी मानी कंपनी है, तो उसने क्यों निकाल दिया। आईटी कंपनी जब से कोरोना का टाइम गया है, अभी चल भी रहा है, तब से काफी सारे एम्प्लॉई को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिली हुई है। इस दौरान आईटी कंपनी के काफी सारे एम्प्लॉई दूसरी कंपनी से भी जुड़ के काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पर कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं है। जो कंपनी का टाइम है उसी टाइम के अंदर वो किसी दूसरी कंपनी का फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं या किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। जिसका जो रिपोर्ट है, जिसका जो क्लू है, वो कंपनी के पास डाटा पहुंच चुका है और उसकी वजह से उस बेस पर मून लाइटिंग के चलते उन्हें निकाला गया है। यानी कंपनी के पास पुख्ता प्रूफ है कि ये दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, चाहे वो दूसरी जगह का पीएफ नंबर मिल गया, चाहे बहुत सारी जो डिटेल होती है वो सारी चीजें मिल गई, उसके लिए उसको निकाला गया, जो कि एक तरह से सही भी है। तो आपने समझा कि मूनलाइटिंग क्या होती है, विप्रो कंपनी ने क्यों निकाला और मूनलाइटिंग कब सही होती है, कब गलत होती है। अगर आपको कुछ भी पूछना है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर कर